नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार भारत के थिंक टैंकों का रिपोर्ट पढ़ा होगा। उन्होंने कई बार बोला है कि आखिरकार भारत सरकार तिब्बत कार्ड क्यों नहीं खेलता है। तिब्बत कार्ड खेल के हम तो चीन को तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों ये सब हम लोग सुन रहे थे, लेकिन चाइना ने दावा किया है कि अरे भाई भारत तो तिब्बत कार्ड खेल चुका है, बहुत बड़ा कार्ड खेला है। अगर भारत हमसे तिब्बत अलग किया ना तो हम पृथ्वी को सर्वनाश कर देंगे, दुनिया को खत्म कर। दोस्तों चीन ने पहले बोला है कि भारत ने दुनिया को आंख में धूल झोंका है, भारत ने तिब्बत कार्ड आज से 2 साल पहले ही खेल दिया और भारत बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला है। तिब्बत में आज घर घर से विद्रोही पैदा हो रहा है, उसके पीछे भारत का हाथ है। दोस्तों चीन ने बहुत कुछ कहा है और चीन ने पहले कह दिया है कि हम अब भारत के एक भी शर्त को नहीं मानेंगे, अब की बार युद्ध होगा क्योंकि भारत ने हमारा गर्दन पकड़ा है। हम लोग सोच रहे थे कि भारत को हम दबा देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, भारत हमारे घर में घुस गया है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, आप भी हैरान हो जाएंगे आखिरकार भारत ने ऐसा किया कैसे। हम लोग सोच रहे थे कि भारत तिब्बत कार्ड खेलेगा, लेकिन भारत ये तिब्बत कार्ड आज से 2 साल पहले ही खेल चुका है और वो भी चीन बोल रहा है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बता, पूरा खबर देखिए और कह सकते हैं कि भारत का ये पॉलिसी दोस्तों सचमुच में ये युद्ध जैसा है। सिंपल से बात करें, इसमें कुछ भी हो सकता है, आर्य पार हो सकता है। भारत ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, मोदी सरकार ने आर्य पार का घोषणा किया। मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा आखिरकार दुनिया में चल कर रहा है और चीन ने कहा क्या है। दोस्तों आप जानते हैं पिछले 1 साल में चीन ने हमारे प्रति बहुत ही नफरत खेला है। पहले तो सिक्किम में धक्का मुक्की किया, फिर क्या हुआ, गलवान घाटी हुआ, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हर जगह चीन आज हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमारा सैन्य उसे बंदी बनाकर उसे कुटाई करके भेज रहा है। इतना ही नहीं, चीन आज हर जगह हमें बदनाम करने पे तुला हुआ है कि भारत तो खतरनाक बन गया है, भारत अब अग्नि 5 बना रहा है, भारत दुनिया को खासतौर पर दुबाना चाहता है। दोस्तों चीन भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है पिछले 1 सालों से। इतना ही नहीं, भारत और चीन के बीच में अब तक 13 बार मीटिंग हुआ है, सब असफल रहा और चीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ये युद्ध होगा तो भारत पे इल्जाम लगेगा और भारत को हम तो मिटा ही देंगे, भारत बहुत बड़ा भूल कर रहा है। दोस्तों ये सब चल ही रहा था, हाल ही में चीन ने एक बिल पारित किया हुआ है, लैंड बिल। खासतौर पर चाइना का सब कहना है कि हमने अब तक जो भी जमीन हड़पा है वो सब मेरा हो चुका है, उस पर कोई चर्चा होगा ही नहीं। अगर इस पर कोई छूने का प्रयास किया ना, उस पर कोई आंख दिखाएगा तो हम अब मिसाइल नहीं परमाणु बम मारेंगे। तो चीन ओपन ही बोल दिया कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खासतौर पे इवेंट होगा, कोई हमें छेड़ दे। दोस्तों आप बोलेंगे यहाँ तक मैं क्यों बोला, क्या हुआ है आखिर। देखिए ये तमाम घटनाएं जो हो रहा है ना, ये एक्शन का रिएक्शन है। आप बोलेंगे क्या एक्शन का रिएक्शन है। दोस्तों भारत ने जो कार्ड से 2 साल पहले खेला है उसका रिएक्शन चीन दे रहा है। आप बोलेंगे आखिरकार हुआ क्या है। आप जानते हैं दोस्तों, भारत आज से 1.5 साल पहले ही एक बहुत ही खुफिया प्लान बनाया। पता प्लान क्या था? प्लान यह था कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने 1965 और 1971 से पहले खासतौर पर बांग्लादेश के लिए दोस्तों बहुत बड़ा कदम उठा लिया। आप जानते हैं उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो भारत सरकार ने एक ऐसा आर्मी का टीम बनाया जो बांग्ला भाषा जानता हो, यानी कि बांग्लादेशी का जो कल्चर है वो जानता हो। और खासतौर पर दोस्तों भारत सरकार ने ऑलरेडी बांग्लादेश का संस्कृति सीखने के लिए बोल दिया। खासतौर पर दोस्तों 1971 से पहले भारत ने बांग्लादेश के लिए एक अलग ही एक टीम बनाया था आर्मी का, बोला कि तुम तमाम वो शक्तियाँ अपना लो जो बांग्लादेश में चाहिए, और यहाँ तक कि ट्रेनिंग भी करवा दिया ताकि वहाँ पर एंट्री करे तो कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों भारत भी वही काम कर रहा है। दरअसल भारत आज से 1.5 साल पहले ही तिब्बती लॉजी दोस्तों, तिब्बत लॉजी नाम का एक दोस्तों प्रोग्राम बनाया है जिसमें भारतीय आर्मी खासतौर पर जो टॉप कमांडर होगा उस कमांडर को तिब्बत के बारे में वो तमाम जानकारी दी जाएगी, वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, वहाँ पे क्या माहौल है, क्या संस्कृति है, वहाँ के लोग सोचता क्या है, यानी कि तिब्बत के बारे में सब कुछ बताया जाएगा ताकि एक समय ऐसा आएगा जो आसानी से तिब्बत को अलग कर दिया जाएगा, तिब्बत में घुसेगा और तिब्बत को आसानी से अलग कर देगा। और दोस्तों ये बहुत बड़ी अंजाम देने वाला भारत, इसीलिए चाइना बौखला गया है। अब बोलेंगे तो अरे भाई पूर्वी पाकिस्तान में तिब्बत में बहुत अंतर है, उस समय पाकिस्तान का न्यूज सब जानता था और तिब्बत तो पूरी तरह से चीन के अंदर है, वो कम्युनिज्म है, वहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम लोग कैसे तिब्बत लॉजी अपना लेंगे, कैसे चीन को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों चलिए अब मैं बता रहा हूँ। देखिए तिब्बत का मुद्दा और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, दोनों का मुद्दा लगभग सेम ही है। दोस्तों उस समय भी खासतौर पर
बांग्लादेश से लाखों आदमी भारत भाग के आ गया था और आज भी दोस्तों तिब्बत के लाखों लोग भारत में हैं, ठीक है। पहला समानता तो ये है। दूसरा, उस समय भी बांग्लादेश को पूरी तरह से पाकिस्तान ने बंद कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था। वहाँ पे हर दिन दोस्तों लाखों लोगों को अत्याचार कर रहा था और बांग्लादेश में यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में कम से कम 15 से 20 लाख आदमी को मार दिया था। कौन? पाकिस्तान सरकार ने। दोस्तों सेम कंडीशन आज तिब्बत में है। तिब्बत में कम से कम 1962 से लेकर अब तक कम से कम 40 से 45 लाख लोगों को मार दिया गया। दोस्तों तिब्बत का आधा जनसंख्या खत्म कर दिया, ठीक है। किन ने मरा है, आपने क्यों मरा है? तो कारण सेम है। बांग्लादेश चाहता था कि एक अलग देश बने और तिब्बत के लोग ही बोलता है कि हम तो अलग देश से ही। दोस्तों दोनों समस्या सेम है। बांग्लादेश में भारतीय आर्मी एंट्री किया और वहाँ के जो भी विद्रोही सबको मिला के एक संगठन बनाया और रातों रात दोस्तों बांग्लादेश में क्रांति ला दिया। क्या हुआ? एक अलग देश बना दिया। अब हमारा तिब्बत पे फोकस है, इसीलिए हम लोग तिब्बत लॉजी नाम का एक दोस्तों मुहिम शुरू किए हैं। दरअसल भारत सरकार के पास दोस्तों तिब्बत के लाखों लोग हैं जो चाहता है कि तिब्बत में वो एंट्री हो और तिब्बत को आज़ादी मिले। दोस्तों तिब्बत का हजारों लोग है जो आज भारतीय आर्मी में शामिल हो चुका है। भारत का जो आर्मी है दोस्तों उसमें तिब्बत एक अलग फोर्स बना, यानी कि तिब्बतियों के लिए एक अलग ही रेजिमेंट बनाया गया है ताकि ये फोर्स भविष्य में जब भी युद्ध होगा तो आसानी से वहाँ घुस के युद्ध में आर्य पार करे। दोस्तों दोनों समानता सेम है, इसीलिए चीन को लग रहा है कि आने वाले समय में भारत तिब्बत को अलग करने का 100% प्रयास करेगा। और यही कारण है कि पिछले 1.5 साल से चाइना हमें आंख दिखा रहा है, लद्दाख में, अरुणाचल में, हर जगह दोस्तों चीन बौखलाया है। भारत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, चीन को अभी भी यकीन हो रहा है, चीन फ्रस्ट्रेशन में आ गया है, गुस्से में आ गया है और इसीलिए चीन ने पूरी तरह से अपना गुस्सा दिखाया है। दोस्तों इसीलिए चीन पता क्या कर रहा है, पिछले कुछ सालों से अपना हजारों लाखों लोगों को अब तिब्बत में बसा रहा है, भारत का जहाँ सीमा है वहाँ के आसपास बसा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं तिब्बत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यानी कि वर्तमान में जितना पाकिस्तान है ना दोस्तों, पूरे पाकिस्तान उसका 1.5 गुना क्षेत्रफल, कितना? 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों तिब्बत का क्षेत्रफल है। सिंपल सी बात कहते हो पाकिस्तान से बड़ा है। और पता है कितना जनसंख्या है? जनसंख्या केवल 35 लाख दोस्तों। कितना? 35 ही लाख जनसंख्या है। दोस्तों वहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल नहीं है, पूरा लैंड खाली है। तो चाइना सरकार अब वहाँ पे घर बना के सबको दे रहा है। जो चीन में जो बेरोजगार है, गरीब लोग है, जो वहाँ के मजदूर लोग है, चीन सरकार बोल रहा है कि ठीक है तुम शंघाई से बाहर निकलो, तुम जाओ तिब्बत में वहाँ बसो, तुम्हें हम फ्री में घर देंगे, खाने के लिए देंगे, रहने के लिए देंगे, सब कुछ देंगे। और तुम वहाँ एक काम करना, तुम्हारे हैंड में कम से कम 100 बीघा जमीन रहेगा, 200 बीघा जमीन रहना, और तुम क्या करना, उस 200 बीघा जमीन पर राज करना और तिब्बत के जो आम लोग हैं उसको तुम अपना गुलाम बना रखना और कभी भी भविष्य में भारत हम पे हम अटैक न करे, ये सब जानकारी तुम रखना। यानी कि अपने लोगों को तिब्बत भेज रहा है ताकि तिब्बत लोगों को गुलाम बना सके और भारत पे नज़र रख सके। दोस्तों चीन ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया अपने लोगों को, खासतौर पे तिब्बत बसा रहा है ताकि भविष्य में तिब्बत अलग ना हो जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और चीन का जो डर है ना वो साफ साफ दिख गया है, इसीलिए भारत का तिब्बत दोस्तों सक्सेसफुल होगा। क्योंकि चीन को जहाँ डर है ना, डर के आगे दोस्तों भारत को ही पे जीत मिलेगा, ठीक है। चीन को पूरा वो किया ना कि हमारा अंत समय आ चुका है, 2025 तक हम भी एक बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा।